क्या पूरा काल हुआ कैसे घटना? ये हम सत्संग में गए थे, साल थी वहाँ पर, बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी निकल रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी इंच कर गई, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की, ऐसे आ रही थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए। हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पर खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? मिसाल सस बोला, सत्संग खत्म ही यार, जब जनता को जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी? लगभग बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिन्ने भैया, यानी कितने करने की भैया? कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर भी आप? भीड़ ज्यादा थी? बहुत ही भीड़ है, बहुत ही। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई? एक संग वो रुक गई है, दब गए वहाँ में। हमारे भाई हमारे संग नहीं जे। आप भी उस संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन के ऊपर अकेले कर गई, ज्यादा तो मच गई, गाड़ी वाले भी आ गए। बहुत भैया हम लोग ने मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट कर दिया, अगर किसी अवस्था में घायल भी पहुंचते हैं तो उनका तत्काल हम लोग उपचार कर पाएं। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में भी हमारी सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की टीमें वहां अलर्ट मोड में, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट भी हम लोग ने अरेंज कर दिए कि बॉडी पोस्टमार्टम में हम देर ना हो और जल्दी से जल्दी हम लोग उसे डिस्पोज ऑफ कर पाएं। हमारी तीन टीमें यहां बिल्कुल मौजूद हैं विद स्वीपर एंड डॉक्टर्स के साथ। शव वाहन भी भेज दिए गए हैं, 5 एम्बुलेंसेज भेज दी गई हैं यहाँ से और शव वाहन भी यहाँ से जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स की टीम भी, मेडिकल जो हमारे विद पैरामेडिकल, इनको भी हमने मूव करा दिया है।
प्रयास यही कि जो भी चीजें वहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो हम लोग जितना यहाँ से होंगे रिसोर्सेज उनको देंगे, और यहाँ पे भी अगर यदि वो लोग आते हैं तो सारे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक में भी हम लोग को सूचना पहुँचा दी गई है कि कोई भी अगर उन तक पहुँचता है उसकी भी सूचना हम लोग को दे दें जिससे हम उनकी तत्काल मदद कर पाए। देखिए अभी तक कोई संख्या नहीं है लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि 30 के आसपास आने की संभावना प्रतीत होती है अभी, लेकिन कोई कन्फर्मेशन अभी नहीं कर सकते जब तक बॉडी मूवमेंट ना हो। इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। जी यहां पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी, और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा, एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच चल रही, जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा।